तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मण कुमार वर्मा और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। बच्चों आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। सीयूटी में कितना स्कोर आना चाहिए भाई, मैं कितना स्कोर लाए बच्चा कि भाई उसके वो बोले कि हाँ मेरा गुड स्कोर है। सीयूटी में क्या स्कोर उसका हो तो वो बोलेगा हाँ मेरा ये गुड स्कोर है। बच्चे इस वीडियो में बताऊंगा डीयू का कट ऑफ क्या रहने वाला है 2024 के अंदर। 2023 में तो आपको पता है कट ऑफ क्या था, आपने चेक भी किया होगा। 2023 के रेफरेंस से लेकर 24 का कट ऑफ हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं, ठीक है बच्चे। डेटा को एनालाइज करेंगे, डेटा को साथ में रीड करेंगे एंड आपको पता चल जाएगा कि 24 का कट ऑफ क्या होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुड स्कोर क्या होता है। बच्चे एक होता है गुड स्कोर, एक होता है बेस्ट स्कोर। सबसे पहले हम बात करें बेस्ट स्कोर। बच्चे बेस्ट स्कोर है 700 से लेकर 800, जहां आपका परसेंटाइल बनता है 99 to 100 परसेंटाइल, ठीक है। दिस इज अ बेस्ट स्कोर, ये बेस्ट स्कोर है, ठीक है। इतना किसी बच्चे का आया है, इस रेंज में आया है, तो बच्चे चाहे आप नॉर्थ कैंपस, चाहे नॉर्थ ऑफ कैंपस, चाहे जिस कॉलेज में इंडिया में बोलोगे उस कॉलेज में एडमिशन होगा और आपको इज्जत से बुलाया जाएगा, क्योंकि बच्चे ये बहुत अच्छा मार्क्स है, ये बहुत अच्छा मार्क्स है। इस मार्क्स में नॉर्थ कैंपस का टॉप कॉलेज भी आपको मिलेगा। अगर आप गर्ल हैं तो बच्चे अगर आप सोच रहे हो कि मिरांडा हाउस मुझे मिल जाए, मिरांडा हाउस, ठीक है, तो बच्चे मिरांडा हाउस भी मिल सकता है, ठीक है। मिरांडा हाउस का कट ऑफ क्या पिछली बार क्या था, पिछली बार कट ऑफ बच्चे 99 से लेकर 100 परसेंटाइल क्या था पिछली बार का कट ऑफ, ठीक है, ये परसेंटाइल कट ऑफ है मिरांडा हाउस का। तो बच्चे इस कॉलेज में कोई बच्चा जाना चाहता है तो बच्चे आसानी से जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर ये मार्क्स ये है। अब बच्चे बात करते हैं गुड स्कोर क्या है, तो गुड स्कोर क्या है बच्चे आइए देखते हैं, व्हाट इज गुड स्कोर, आइए देखते हैं बच्चे गुड स्कोर क्या है। देखो गुड स्कोर, ठीक है, गुड स्कोर बच्चे गुड स्कोर है इससे कम, ठीक है। अगर आपके आए हैं 600 से लेकर 700 के बीच में, ऐसे बच्चे बहुत सारे होंगे, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि आपके 550 वाला, उस बच्चे 550 वाला बच्चा भी आ जाएगा इसी के अंदर, ठीक है। लेकिन ये मार्क्स अच्छे हैं 550 से लेकर 600 और 700 के बीच में, अगर ये मार्क्स है तो बच्चा ये आपका गुड स्कोर है। कि आपको नॉर्थ कैंपस से कुछ कॉलेज मिल सकते हैं अगर आपके पास ओबीसी है या फिर SC ST है, लेकिन जनरल हो तो थोड़ा टफ हो सकता है। लेकिन बच्चे ये इस कैटेगरी वाले को बच्चे कोई आता है और उसके पास कोई कैटेगरी का सर्टिफिकेट है OBC SC ST, तो बच्चे उसके लिए बिल्कुल बेस्ट है ये स्कोर। और अगर कैटेगरी वाला बच्चा है तो उसके लिए बेस्ट है, और जनरल वाला बच्चा है तो 700 से 800 लेकर बहुत अच्छे मार्क्स है बच्चे आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। यहाँ भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा जिसमें आप चाहोगे, नॉर्थ कैंपस तो कंफर्म मिलेगा, ठीक है। हो सकता है आपको कोई गर्ल चाहती है कि वो बच्चा चाहता है कि मुझे मुरंडा हाउस मिले, तो अगर मुरंडा हाउस नहीं मिल रहा तो कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए उसके रेफरेंस में, कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, हिंदू कॉलेज मिल जाएगा, रामजस कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है। ये बच्चा भी गुड स्कोर आता है बच्चे। और बात करते हैं जिसके 600 से भी नीचे मार्क्स आ रहे हैं। बच्चे अगर 600 से भी नीचे मार्क्स आ रहे हैं, 600 से भी नीचे मार्क्स आ रहा है, इसके नीचे आ रहा है, तब क्या करें। तो बच्चे इससे नीचे वाला जो अगर मार्क्स आएंगे उसके 85 to 90 परसेंटाइल बनेगा, ठीक है, 85 to 90 परसेंटाइल, या फिर ये, ठीक है, ये 80 भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिशन इस बार ज्यादा है। पिछली बार तो 10 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था बच्चे, इस बार 20 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, तो कंपटीशन ज्यादा हाई है, ठीक है बच्चे। अगर आपके मार्क्स इस वाले में सीन में आया है, अगर यहाँ आया है, तो बच्चे अगर यहाँ अप्लाई कर रहे हो इससे कम मार्क्स आया है, तो बच्चे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सिर्फ नॉर्थ कैंपस नहीं है, साउथ कैंपस भी है, ऑफ कैंपस भी है, तो दिल्ली में भाई इतने कॉलेजेस हैं, और CUET के अंदर बच्चे 250+ यूनिवर्सिटी है, 250+ यूनिवर्सिटी CUET के अंदर है, तो ये सिर्फ यूनिवर्सिटी है, कॉलेज कितने होंगे भाई। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है भाई, नीचे बैंगलोर यूनिवर्सिटी है साउथ में, तो बच्चे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। टेंशन नहीं लेना भाई कि सर मेरे 300 मार्क्स आए हैं तो क्या मेरा एडमिशन नहीं होगा। बच्चे 200 मार्क्स आए हैं 800 में से, तब भी एडमिशन होगा, तब भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा, हो सकता है बच्चे। लेकिन जो आप कोर्स चाहते हो वो ना मिले, BA ऑनर्स में जाने वाला बच्चा को BA प्रोग्राम मिल सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर, लेकिन मिलेगा रेगुलर गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है बच्चे। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ बच्चे कि क्या, ठीक है, इस वीडियो में क्या था। तो बच्चे गुड स्कोर क्या है समझ गए आप, गुड स्कोर क्या है, बेस्ट स्कोर, बहुत बढ़िया स्कोर, बहुत अच्छा स्कोर, 700 से लेकर 800, और गुड स्कोर है 600 से लेकर 700, बाकी उससे नीचे आता है तो वो खराब, बहुत खराब नहीं है बच्चे, लेकिन नॉर्थ कैंपस के लिए थोड़ा कम है, नॉर्थ कैंपस के लिए, DU के नॉर्थ कैंपस के लिए बहुत थोड़ा कम है, तो बच्चे ये है,
ठीक है। और कोई डाउट होगा बच्चे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आप। कट ऑफ, हाँ बच्चे कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, तो बच्चे कट ऑफ भी यही रहता है, कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो बच्चे कट ऑफ हम देखेंगे, तो बच्चे अगर आपको लेना है नॉर्थ कैंपस, नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस बताता हूँ आपको कॉलेज वाइज, ठीक है नॉर्थ कैंपस, ठीक है। अगर नॉर्थ कैंपस बच्चे लेना है आपको, तो नॉर्थ कैंपस का कट ऑफ रहेगा 700 से लेकर 800, ठीक है। मतलब कि परसेंटाइल 98 to 100 percentile। अगर बच्चे यहाँ अप्लाई करते हो तो नॉर्थ कैंपस का कोई भी कॉलेज मिलेगा, नॉर्थ कैंपस का कोई भी कॉलेज मिलेगा, एनी कॉलेज, एनी कॉलेज, ठीक है एनी कॉलेज मिलेगा। लेकिन बच्चे अप्लाई करते हो 600 से लेकर 800, ठीक है, या फिर यहाँ पे आप 550 भी ऐड कर सकते हो, 550 से लेकर, ठीक है, ये भी स्कोर आता है आपका। तो बच्चे आप अप्लाई करते हो, आपके आपका परसेंटाइल बनेगा 85, यहाँ पे आएगा आपका 88 to 90 percentile के आसपास आ सकता है, या 95 लेके चलते हैं, ठीक है, ये परसेंटाइल बनेगा, ठीक है बच्चे, अगर ये स्कोर आता है तो इसको हम बोलेंगे बेस्ट स्कोर, ठीक है। और ये कट ऑफ भी मान लो इसको आप, ठीक है, ये गुड स्कोर है, ठीक है, और ये बेस्ट फॉर साउथ कैंपस है, ये साउथ कैंपस के लिए बेस्ट है, ठीक है बच्चे, साउथ कैंपस। बच्चे अगर आपको कॉलेज वाइज जानना है तो बच्चे कॉलेज के लिए मैं कॉलेज वाइज मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं, कॉलेज वाइज आपको अलग अलग लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है बच्चे। वीडियो में इतना ही था बच्चे, ठीक है, वीडियो में इतना ही था आपको, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, गुड स्कोर क्या है, कट ऑफ क्या है, आपका एडमिशन कैसे हो पाएगा नॉर्थ कैंपस में, नॉर्थ साउथ कैंपस में, ऑफ कैंपस में। तो आई होप आपको मैं पूरा समझा पाया हूँ, आपको पूरा डिलीवर कर पाया हूँ, और इससे आपको आपको वैल्यू भी मिली होगी। तो बच्चे अगर वैल्यू मिल गई है तो वीडियो को शेयर कर दो, और बच्चे वीडियो में इतना ही था, वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद बच्चे।